सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ की, जिस वजह से सेकेंड लॉ आया। पहली लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ की, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। ये हीट की डायरेक्शन की बात नहीं करता फर्स्ट लॉ, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। ये बात करता है कि डी क्यू हीट दी, उसमें से डी यू इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो गई और डी डब्ल्यू का वर्क डन हो गया। हीट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी ये बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करता। हमने फर्स्ट लॉ करते हुए डायरेक्शन की तो बात की नहीं, सेकेंड लॉ करता है। फर्स्ट लॉ डज नॉट टेल द कंडीशन अंडर विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू वर्क। आपने सुना होगा हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू वर्क डन। ठीक, कैसे? जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल है, जैसे कि हीट इंजन एक एग्जांपल है। तो हीट इंजन क्या है, आप पेट्रोल डलवाते हो, बर्न करते हो, गैस निकलती है, हीट निकलती है और गाड़ी आगे चलती है। तो आप बर्न करते रहो, हीट इसको देते रहो और वर्क डन में कन्वर्ट करती जाएगी गाड़ी, सिंपल। तो इसमें वो ये कह रहा है कि इसके अंदर हम ये बता नहीं पा रहे, इट डज नॉट टेल द कंडीशन अंडर विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू वर्क। कब ऐसा हो सकता है और कब ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि सारी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हीट इंजन एग्जांपल लिया, हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर सके। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऐसा नहीं हो सकता। आपने एक बुलेट चलाई, बुलेट को काइनेटिक एनर्जी दी, बुलेट ने किसी मेटल की प्लेट को हिट किया, मेटल की प्लेट को हिट करके वो गर्म हो गई और धुआं निकल आया, हीट जनरेट हो गई। ठीक है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी, आपका वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, उल्टा ट्रू, उल्टा करो, आप एक बुलेट को गर्म करो, क्या वो भागेगी? नहीं, वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो गया, पर हीट वर्क डन में ऐसे केस में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। तो कब पता लगेगा कि कब हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है और कब नहीं हो सकती, ये काम कौन बताएगा आपको? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। ठीक, और लास्ट है फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट दैट व्हाई होल ऑफ द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क कंटीन्यूअसली। तो आपने पेट्रोल डलवाया, आपने हीट जनरेट की, पर आपकी गाड़ी उतनी चल नहीं पाई, वेस्टेज बहुत होती है, एफिशिएंसी 100% तो है नहीं। तो कब आपकी पूरी हीट या क्यों आपकी पूरी हीट पूरे वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाती, कुछ पार्ट ही वर्क डन में कन्वर्ट हो पाता है, सारा नहीं हो पाता, ये आपको सेकंड लॉ बताएगा, फर्स्ट लॉ नहीं बताएगा कि क्यों खराब होती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ की, तो इन लिमिटेशंस के बाद क्या करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।